नमस्ते दोस्तों, कुकिंग विद पिंकी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं बटर स्कॉच आइसक्रीम। तो आइए बटर स्कॉच आइसक्रीम के लिए कैरमल क्रंच बना लेते हैं। तो उसके लिए चाहिए हमें आधा कप चीनी, कुछ बादाम कुटे हुए और ये एक चम्मच बटर। सबसे पहले गैस जला के एक पैन रख लेना है और उसमें चीनी डालनी है और इसको मेल्ट करना है धीरे धीरे चला के। तो जब तक ये मेल्ट होना शुरू होती है तब तक हम एक ये प्लेट लेते हैं इस तरह से, इस पे थोड़ा घी डाल लेते हैं और उसको ग्रीस कर लेते हैं। तो ये यहाँ से हमारी थोड़ी सी मेल्ट होनी शुरू हो गई है। ये गैस हमें थोड़ा स्लो रखनी है। तो हमारी चीनी मेल्ट हो चुकी है, अब इसमें डालेंगे बटर। ये बटर हम रूम टेम्परेचर पे रखें, फ्रीज से 2 घंटे पहले निकाल के रखते हैं। इसमें डालेंगे बादाम, मिक्स करना है। आप इसकी जगह काजू भी ले सकते हैं। गैस बंद कर देनी है। और इसको जिसमें हमने घी से ग्रीस किया था प्लेट को उसमें पलट लेना है। तो 15 मिनट में ये हमारी जमकर तैयार हो जाएगी। हम आपको दिखाते हैं 15 मिनट बाद। ये हमने 200 ग्राम क्रीम ले लिया है और ये जो भगोना है हमने करीब 2 घंटे के लिए फ्रीजर में रखा था, एकदम चिल्ड है। और इसमें क्रीम डाल दी है और इसको इस तरह से एक भगोने में आइस के कुछ क्यूब्स लेके इसके ऊपर रख के इसको चलाना है ब्लेंडर को। और ये हमने 100 ग्राम लिया है कंडेंस मिल्क, इसको मिक्स कर लेना है। आप इस कंडेंस मिल्क की जगह शुगर पाउडर भी ले सकते हैं। और अब इसमें डालना है बटर स्कॉच एसेंस 1 चम्मच। और इसमें डालना है 1 पिंच येलो फूड कलर। ये करीब हमने 6 से 7 मिनट चलाई है। नंबर 1 पे 2 मिनट चलाई थी और नंबर 3 पे हमने ये 5 मिनट के लिए चलाई है। तो अब हम कंटेनर में भर के इसको फ्रीजर में रख देते हैं 2 घंटे के लिए सेट होने। तो हमने ये कंटेनर में डाल दिया है, इसको कवर करके फ्रीजर में रख देते हैं करीब 2 घंटे के लिए। तो ये आइसक्रीम को जमे हमारे 2 घंटे हो चुके हैं, ये फ्रीजर से हमने निकाले। इसको एक बार और चला लेते हैं।
एक बार और ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेते हैं इसको। तो ये हमने 2 मिनट और चला लिए। अब इसके अंदर डालते हैं कैरमल क्रंच 3 चम्मच, तो ये हमने ब्लेंड कर लिए। अब इसको इसी जार में जिसमें हमने पहले रखी थी फ्रीजर में, इसी में फिर से ट्रांसफर कर देते हैं। और इसमें ये कैरमल क्रंच ऊपर से डाल देते हैं। और एक फॉइल पेपर लेके इस तरह से इसको रैप कर देना है, जिससे इसके अंदर आइस नहीं जमेगी। और ये लिड लगा के इसको हमें फ्रीजर में रखना है 7 से 8 घंटे या फिर ओवरनाइट। तो ये हमारी बटर स्कॉच आइसक्रीम हमने फ्रीजर से निकाली है, हमने ये ओवरनाइट रखी थी। तो अभी देखते हैं, हम आपको दिखाते हैं। बहुत अच्छी आइसक्रीम हमारी बन के रेडी हो चुकी है, अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। और थोड़ा सा इसके ऊपर कैरमल क्रंच। ये जब आइसक्रीम के बीच में आता है तो बड़ा टेस्टी लगता है। तो ये हमारी बटरस्कॉच आइसक्रीम बनके रेडी हो चुकी है, जो बच्चों को बहुत पसंद है, बड़ों को भी बहुत पसंद होती है। तो बनाइए, खाइए और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी। थैंक यू।